एमपी में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में खरगोन पुलिस को अवैध हथियार पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। इसके साथ ही पुलिस ने 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बड़वा पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 12 अवैध पिस्टल और 25 जिंदा कारतूस मिले हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 3.25 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी धर्मराज मीना ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपियों में 4 पुरुषों सहित एक महिला शामिल है। आरोपी ग्वालियर और बड़वानी जिले के बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से एक 4-पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। पुलिस को आशंका है कि आरोपियों के बड़े गिरोह से तार जुड़े हो सकते हैं। बड़वा सब डिवीजन कि इस पुलिस टीम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य दिया और इस पूरी कार्रवाई में मुठभेर की जैसी सूचना मिली। एक स्थान जिसको काटकूट फाटा कहते हैं, की हमारी पुलिस टीम ने नाकाबंदी करके एक सफेद कलर की अर्टिगा वाहन को रोका और उसमें 5 व्यक्ति जिसमें 4 पुरुष और 1 महिला है, उनके कब्जे से कुल 12 कंट्री मेड फायर आर्म्स और 25 लाइव कारतूस बरामद किए हैं। इस प्रकार से ये कुल मसरू का फायर आर्म्स का 3,25,000 और एक 10 लाख लगभग कीमत की व्हाइट कलर की अर्टिगा कार इनके कब्जे से बरामद करी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।